वंदे वेद मातरम स्वाध्याय की श्रृंखला में हम आज से एक दूसरी पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जीवन जीने की कला भाग एक यूनिट वन। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य से महान और कुछ नहीं, मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति। बाइबल कहती है मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है, किंतु इसके विपरीत हम देखते हैं कि सामान्य से असामान्य बनना तो दूर, व्यक्ति साधारण स्तर का भी नहीं रह पाता है। इसका मूल कारण है अपनी सामर्थ्य का बोध ना होना। हनुमान को यदि अपनी सामर्थ्य का बोध रहा होता तो जामवंत के उपदेश की उन्हें आवश्यकता ना पड़ती, राम का आदेश पाते ही वे चल पड़ते। जैसे ही सागर किनारे साधारण से वानर हनुमान को अपनी आत्म गरिमा का बोध हुआ, वह एक ही छलांग में असंभव पुरुषार्थ करने में सफल हो गए। अंगारों पर रखी राख अग्नि की तीव्रता को छुपाए रहती है, जैसे ही उसे हटाया जाता है वह अपने मूल रूप में तापयुक्त तो होती है। सूर्य पर बादल छाए हों तो कुछ देर के लिए वातावरण में ठंडक छा जाती है, बादलों के छटते ही सूर्य का प्रकाश व गर्मी उस क्षेत्र के हर भाग तक पहुंचने लगती है। अपना आपा भी ऐसा ही प्रकाशवान और दिव्यवान है। मात्र कषाय कलमशों ने, विस्मृति की माया ने, जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों ने उसकी इस आभा को ढक रखा है। यदि इस माया जाल का आवरण हटाया जा सके तो असामान्य स्थिति में पहुंच सकना संभव है। अच्छे से अच्छे कागज पर कीमती रंग भी यदि बेतरतीब फैला दिया जाए तो कागज और रंग दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे, किंतु उसी कागज पर वही रंग जब कोई चित्रकार लगाता है तो सुंदर छवि बन जाती है। वह छवि हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, देखने वालों को भी प्रसन्नता होती है और चित्रकार को भी आत्मसंतोष मिलता है। अपने व्यक्तित्व को यदि इस प्रकार की सुंदर छवि प्रदान की जा सके तो स्वयं आत्मसंतोष प्राप्त किया ही जा सकता है और दूसरों को भी उससे प्रफुल्लता प्रेरणा प्रदान की जा सकती है। जीवन जीने की कला व्यक्तित्व को इसी प्रकार गठित करने की प्रक्रिया का नाम है। अनाड़ीपन सबसे बड़ा संकट। मोटर चलाना आरंभ कर दिया जाए और ना तो ड्राइवरी सीखी हो और ना उसके पुर्जों की कोई जानकारी हो तो दुर्घटना की ही आशंका रहेगी। मोटर का टूटना और बैठने वालों का खतरे में पड़ जाना स्वाभाविक है। हिसाब किताब क्रय विक्रय का अनुभव हुए बिना व्यापार क्या चलने वाला है? जिसे कृषि करना आता ही नहीं वह खेतों में बीज बिखेरता फिरे तो इतने मात्र से अच्छी फसल की आशा कैसे की जा सकती है? फौजी, पुलिस, प्रशासन, रेलवे आदि के सरकारी कर्मचारियों में काम करने वाले व्यक्ति पहले ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, पीछे उनकी नियुक्ति होती है। यदि ट्रेनिंग के बिना अनाड़ी रंग रूप इन विभागों में नियुक्त कर दिए जाएं, तो किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। वे अनाड़ी व्यक्ति जहाँ जाएंगे वहाँ संकट ही उत्पन्न करेंगे। महात्मा इमर्शन कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वहाँ स्वर्ग बना लूँगा। वे जानते थे कि दुनिया में चाहे कितनी ही बुराई और कमी क्यों ना हो, यदि मनुष्य स्वयं अपने आप को सुसंस्कृत बना ले तो उन बुराइयों की प्रतिक्रिया से बच सकता है। मोटर की कमानी यानी कि स्प्रिंग बढ़िया हो तो सड़क के खड्डे उसको बहुत दचके नहीं देते। कमानी के आधार पर वह उन खड्डों की प्रक्रिया को पचा जाती है। सज्जनता में भी ऐसी ही विशेषता है, वह दुर्जनों को प्रकट होने का अवसर बहुत कम ही आने देती है। गीली लकड़ी का एक छोटा अंगारा जल नहीं पाता, वरन बुझ जाता है। दुष्टता भी सज्जनता के सामने जाकर हार जाती है। फिर सज्जनता में एक दूसरा गुण भी तो है कि कोई परेशानी आ ही जाए तो बिना संतुलन खोए एक तुच्छ सी बात मानकर उसे हंसते खेलते सहन कर लिया जाता है। आत्मबल आत्मबोध में सहायक।
मनुष्य का या सिद्ध पुरुषों का सबसे बड़ा चमत्कार है उनका आत्मबल। यही उन्हें अपनी उस प्रसुप्त सामर्थ्य का बोध कराता है जिसके कारण वे कठिन से कठिन और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आदर्शों तथा दृढ़ सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। यही चमत्कारी क्षमता सामान्य से राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, एक गडेरिये के बेटे को ईशा, साधारण से साधु को समर्थ रामदास, वासना में लिप्त कामुक व्यक्ति को तुलसीदास, एक पुजारी को रामकृष्ण परमहंस, एक डाकू को संत वाल्मीकि एवं एक अध्यापक को महायोगी अरविंद बनाती है। सामान्य परिस्थितियों से ऊपर उठकर महामानवों देव पुरुषों की पंक्ति में जा बैठना क्या कम चमत्कार है? लोगों ने तो बाजीगरी के कर्तव्यों को ही चमत्कार मान रखा है। वस्तुतः उन्होंने आध्यात्मिक संपदा कमाई है, उन्हें इस तरह का चमत्कार प्रदर्शन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। संपन्न व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रखते हैं, उसे हर किसी को बताने नहीं फिरते। यह तो दिखाने वाले का ओछापन और उत्सुक बाल बुद्धि वालों का बचकानापन है जो इस प्रदर्शन को ही मुख्य मान बैठते हैं। जीवन की गरिमा को जिन्होंने समझा है, उन्होंने इसकी साधना की है, वह प्रत्युत्तर में अनगिनत बहुमूल्य मणि मुक्तक पाए हैं। इसमें वे स्वयं लाभान्वित हुए हैं व अनेकों को भी लाभ पहुँचाया। प्रत्येक व्यक्ति महान बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप में विद्यमान है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। मदारी रिक्ष बंदरों को भी, जिनमें न सूझबूझ होती है और न बौद्धिक क्षमता, उन्हें भी प्रशिक्षण देकर मनुष्यों जैसा व्यवहार करना सिखा देते हैं। तो क्या कारण है कि बौद्धिक क्षमता, सहयोग की सुविधा और अन्यान्य विशेषताएं होते हुए भी मनुष्य दीनहीन ही बना रहे? यदि प्रयत्न किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति महामानवों का सा व्यक्तित्व बना सकता है। आत्मदर्शन को ईश्वर प्राप्ति के समतुल्य बताया गया है। इस रहस्यवाद को यदि सरल शब्दों में समझना हो तो बोलचाल की भाषा में इतना कह देने से भी काम चल सकता है कि अपनी अर्थात जीवन की गरिमा को समझा जाए और उस कल्प वृक्ष की निष्ठापूर्वक साधना की जाए। इतना समझा स्वीकारा जा सके तो समझना चाहिए कि आत्मविज्ञान की वर्णमाला याद हो गई, अन्यथा बिना अक्षर ज्ञान सीखे स्नातक बनने का दिवा स्वप्न देखने वालों को रोक कौन सकता है? इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम मानविक गरिमा को समझें और उसके प्रति श्रद्धान्वित हों, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपनाने के लिए संकल्पवान निष्ठा परिपक्व करें। इन दो तथ्यों पर जितनी गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा उतना ही यह रहस्य प्रकट होता जाएगा कि प्रगति और दुर्गति का कारण क्या है। अंतरंग की निकृष्टता को लोगों की आंखों से छिपा भी रखा जा सकता है, पर उस संडास से वह लपकन तो उठती ही रहेगी जो मवाद भरे फोड़ों के भीतर से उठती है और खाने सोने से लेकर सामाजिक परिकर और परिवार को हैरान करती है। कुसंस्कारिता की गहरी जड़ें अवांछनीय आकांक्षाओं और अनैतिक मान्यताओं में होती हैं। इसके जब अंकुर निकलते हैं तो आलस्य से लेकर दुर्व्यसन तक के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और परिपक्व भी होते हैं, तो भ्रष्टता और दुष्टता के रूप में अपनी उद्दंडता का परिचय देते हैं। इन्हें रोका उखाड़ा कैसे जाए? कैसे आत्मा पर छाए इन मलिनता के आवरणों से मुक्ति पाए जाए? इसके लिए किसी वरदान अनुदान पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए, वरन उस आधार को अपनाना चाहिए जिसके बन जाने पर अनुदान बिना याचना के ही मिलते झलकते हैं। नदियां गहरी होती हैं, फलतः उनमें पहाड़ों से लेकर खेतों तक का पानी अपने आप दौड़ते दौड़ते पहुंचता है। सही रास्ता यही है, सही नीति भी यही है। आप ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। आप हमारी बात मानिए, अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए, बस आप उन तमाम संपदाओं के स्वामी बन जाएंगे जो आपके पिता में है। पुत्र में पिता के सब गुण आने अवश्यम भावी हैं।
ईश्वर के पुत्र होने के नाते आप भी असीम शक्तियों और दैवी संपदाओं के मालिक बन जाएंगे, ईश्वर के अटूट भंडार के अधिकारी हो जाएंगे। इमली के वृक्ष से एक छोटी पत्ती तोड़िए और उसे जिभ पर रखिए और दांतों से चबाइए, आप उसे खट्टी पाएंगे। इमली के फल को चखिए, वह और खट्टा है। इमली का फूल, छाल, बीज, पत्ती, कोपले सभी में खटाई का गुण थोड़े बहुत अंतर से समान रूप में विद्यमान है। सर्वत्र वही गुण अदृश्य रूप से रमा हुआ है। एक नीम की पत्ती तोड़कर चखिए, कड़वी है। उसकी निबोरी, उसकी छाल सभी कड़वी हैं, फल कड़वे हैं, उसकी गंध तक से कड़वापन आता है। नीम का बीज कड़वा, उसका पौधा कड़वा, फल कड़वा। जैसी बीज होती है वैसी ही फल होता है, बीज से फल और फल से उसी प्रकार का बीज, वैसी ही सृष्टि। यही संसार के प्राणी जगत का क्रम है। आप जंतु विज्ञान से बातचीत कीजिए, वे आपको बतलाएंगे कि जो गुण किसी भी जीव के पिता में होता है वही उसके संतान में पनपते और फलित होते हैं। दुधारू गाय की बछिया माँ से भी अधिक दूध देती है। नस्ल सुधारने वाले केवल ऊंची नस्लों वाली गायों की ही रक्षा करते हैं, उन्हीं के बच्चों को ध्यान से पालते हैं। पिता माता के गुण उनके बच्चों में पूरी तेजी से उभर कर आते हैं, खूब फलते फूलते हैं। फिर यदि आप अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लेते हैं तो एक ऐसी शक्ति स्रोत को अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं जो अटूट है, संसार के सर्वोच्च गुणों का आदि स्थान है। हर प्रतिष्ठित कलाकार, मूर्तिकार अपनी कलाकृतियों में गरिमा का ध्यान रखता है। यदि वह थोड़ी बद्धि होती है तो उस कृति का ही तिरस्कार, उपहास नहीं होता, वरन उसके सृजेता कलाकार का भी गौरव गिरता है। मनुष्य अपनी कलाकारिता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। शरीर के एक एक कलपुर्जों को रचा, चरम सीमा तक पहुंचाया, रचना किया और कार्यशैली पर विचार करते हैं तो विदित होता है कि सारे वैज्ञानिक एक साथ बैठ जाएं तो भी किसी एक अकेले अवयव की सही प्रतिक्रिया कृति नहीं बना सकते। मानवीय बुद्धि को एक क्यारी में उगे पुष्पों की फसल कह सकते हैं। शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के अतिरिक्त एक भावना क्षेत्र भी इस ईश्वरीय कृति की विशेषता है, जो मानवीय अंतःकरण में उत्कृष्टता के सार तत्व के रूप में विद्यमान है। ईश्वर का अरमान तो पूरा हो गया, अब मनुष्य का कर्तव्य आरंभ होता है कि उस कर्तव्य को कलुषित और कलंकित ना करे, सृष्टा की गरिमा को गिरने ना दे और उन अरमानों को चोट ना पहुंचाए जिन्हें लेकर सृष्टा ने इतनी तीव्र आकांक्षा की और सृजन का कष्ट उठाया। मानवीय संभावनाएं असीम है। मानव गया गुजरा उस स्थिति में है जब वह अपनी सामर्थ्य को पहचान दे और उसका उपयोग करने में उपेक्षा बरते। वह महान और असाधारण उस स्थिति में है जब वह अपनी गरिमा को समझने और असीम क्षमता पर विश्वास रखे। जितना असीम या परमात्मा है उतना ही महान उसका पुत्र है। महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं, मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ कि इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। क्या किया जाए इसके लिए, व्यवहारता क्या करना होगा? इसका उत्तर एक ही है, अपनी संचित कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाया जाए और लोक प्रवाह में बहने से इनकार कर दिया जाए। संकल्प एक ही रहे कि प्रवाह में बहना नहीं है, मात्र औचित्य ही स्वीकारना है। अनौचित्य की प्रेरणा भले ही स्वजन संबंधियों द्वारा दी जा रही हो अथवा समूचे वातावरण से वैसा प्रोत्साहन मिल रहा हो, अपना निर्णय स्वतंत्र एवं आदर्शवादी होना चाहिए। अपने से, अपनी आदतों से, अपने को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों से, वातावरण से लड़ पड़ने का साहस उभरे तो कृष्ण का जागृत अर्जुन बनने का अवसर मिले। कर्तव्य कहता है कि पुराने ढर्रे को तोड़ो, उससे लड़ो और अवांछनीय को हटाओ, पर अर्जुन का मोह पुकार पुराने चिर अभ्यस्त चिर परिचित ढर्रे को छोड़ने तोड़ने का साहस नहीं कर पाता और सोचता है जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। कर्तव्य पालन यदि इतना झंझटों से भरा है, आत्म जागरण का यदि इतना महंगा मूल्य चुकाना पड़ता है तो उसे छोड़ ही क्यों ना दिया जाए। ऐसे महाभारत में जब मोहग्रस्त अर्जुन गांडीव नीचे रख कर बैठ जाता है तब भगवान अनेक तर्क तथ्यों के माध्यम से उसे समझाते हैं। वे कहते हैं, चिर परिचित गतिविधियाँ
ढर्रे में रहने के कारण स्वजनों संबंधियों की तरह अति निकटवर्ती प्रिय बन गई हैं। इन्हें हटाया जाना आवश्यक है। इन्हीं के आत्म गरिमा से अर्जुन रूपी मनुष्य को विस्मृत बना दिया है। साधना समर में अपने ही अज्ञान असुर से ही तो लड़ना पड़ता है। कर्तव्य धर्म व संघर्ष साथ साथ जुड़े हैं। अतएव हे अर्जुन, चिर परिचितों का चिर सहचरों का मोह छोड़ और वह कर जिससे श्रेयस का साधना संपन्न होती है। आत्म गरिमा को भूले हर व्यक्ति को अपने बल संचय की साधना करते समय अर्जुन की तरह ही अग्नि परीक्षा में से गुजरना होता है। विवेक भूमिका में जागृत आत्मा यदि अपने कषाय कल्मशों को ही ना मिटा सकी तो उसके जागरण का आखिर प्रयोजन ही क्या रहा। जिसके पास आत्म भूमिका में जागृत हुआ जीवन मुक्त नर नारायण है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अध्यात्म के उच्च स्तरीय सोपानों पर चढ़ने व रिद्धि सिद्धियां हस्तगत करने के लिए आत्म जागृति ही प्रथम शर्त है। इस पाठ का भाव, दूसरे के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। धन्यवाद। अगला अध्याय आगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।